अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, आज हम आपको चिकन कढ़ाई बताना सिखाएंगे। ये मैंने इसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये मैंने पूरा चिकन लिया जिसको मैंने अच्छे से धो के रख लिया, और 1.5 टमाटर है और एक प्याज है मीडियम साइज़ का, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज है, अदरक लहसुन मैं हमेशा फ्रेश ही डालती हूँ, उसकी खुशबू अच्छी होती है। कभी पहले पीस के बॉक्स में भी रख लेती हूँ, लेकिन सम टाइम मुझे फ्रेश डालना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑयल डालेगा इसमें 2 टेबल स्पून योगर्ट, और ये मैंने क्रश वाला गरम मसाला थोड़ा सा लिया है, एंड पे डालूँगी। और ये मैंने एक कढ़ाई मसाला घर पे बनाया है, इसमें मेथी वगैरह ऐड करके मैं फिर कभी आपको बताऊँगी। ये सूखा धनिया और ज़ीरा है, ये भी थोड़ा सा क्रश है। ये 1 टीस्पून जो है हल्दी है, और 1.5 जो है वो लाल मिर्च है, क्योंकि हमें ग्रीन भी डालनी है तो फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और ये भी थोड़ा सा ऐड करूँगी, 1 टीस्पून ये है, और 1 ही टीस्पून ये सॉल्ट है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, और मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूँगी, बस हल्का सा मुझे स्टर फ्राई करना है इस चिकन को। ये मैंने इसमें कनेक्ट कर दिए, इसके ऊपर मैंने कुछ मसाले नहीं लगाए, बस जस्ट मुझे इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा जब हो जाएगा। और इधर मैं 1 चम्मच ऑयल का डाला, इसका भी मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, और ये मैं इसको थोड़ा गर्म होएगा, फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे जो मेरे पास चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं क्यूट सा है जिससे मैं क्रश करती हूँ अपना, जिसको हम बोल सकते हैं छोटा सा क्यूट सा क्रशर भी, और वो अपनी ज़बान में कद्दूकश भी, कद्दूकश तो नहीं है ये, तो छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स के लिए है, जिस तरह इसमें बड़ा अच्छा हो जाता है और बहुत ही फ्रेश। ये देखें कितना अच्छा हो रहा है। इसको मैं साथ साथ इधर करती हूँ। हाथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे, क्योंकि आपको पता है आजकल कोविड का टाइम है, हमें बार बार बाहर जाए ना जाए, लेकिन फिर भी घर में रहते हुए भी हमें अपने हाथ अच्छे से वॉश करने हैं, बाहर से आके तो बहुत ही ज़रूरी है। अपने बच्चों को भी बताएं और ख़ुद भी इस पे अमल करें, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। ये मैं इसको क्रश कर रही हूँ, ये तकरीबन 8 to 9 क्लोव थे इसके लहसुन के, और ये एक इतना पीस गार्लिक का है, ये जिंजर का है मेरे पास, इसको भी मैंने क्रश कर लिया। इसको मैं तकरीबन राउंड अबाउट 2 टेबल स्पून करूँगी। ये प्याज बारीक बारीक ऑमलेट वाले आपने क्रश कर लेने हैं। ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे साइज़ की करनी है, उसमें थोड़े फ्राई हो जाएंगे तो इसका कलर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ये हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, चिकन भी बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था मैंने, इसको आप अच्छे से साथ साथ हिलाते जाएं। जी ये हो गया, ये प्याज़ों का कलर जब लाइट ब्राउन सा हो तब इस स्टेज पे हमने इसमें ये ऐड कर देना जो हमने क्रश किया था
अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रश था, पेस्ट तो नहीं है, थोड़ा क्रश है, क्रश अच्छा लगता है। पक रहा है और उस टाइम पे हम इधर यहाँ पे मैं टमाटो काट लूँगी, छोटे छोटे बारीक बारीक काट लेनी। प्याज इतने इसमें ज़्यादा डलते नहीं है, इसमें टमाटर और योगर्ट हो जाता है, उससे थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट आता है और मज़े का लगता है। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी, नान के साथ भी, लेकिन मैं कभी हम रोटी के साथ भी खा लेते हैं, नान हम ज़रा कम खाते हैं, तो राइस के साथ भी आप खा सकते हैं। थोड़ा सा ये भी अदरक लहसुन की ज़रा खुशबू चली जाए, फिर इसमें ये सारे टमाटो ऐड कर दूँगी। ये पूरे सब टमाटो चले गए, इसको हिलाएंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे ये देखिए चिकन, चिकन भी पूरा, ये देखिए इसका सारा पानी ड्राई हो गया और इसने ऑयल छोड़ दिया, इसलिए मैंने इसमें ऑयल कम ऐड किया था। तो ये ऑयल भी इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे, इस तरह फ्राई कर लें, तो फिर ये जब हम इसको टोमेटो और उसमें दही में ऐड करते हैं तो फिर ये टूटता नहीं है। ये मोटा मोटा मसाला है, अब इसमें हम अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये एक टीस्पून सॉल्ट था, ये रेड चिल्ली पाउडर एक स्पून, वन एंड हाफ, और ये वाला क्रश जो है ये 1 टीस्पून है, और ये 1 हाफ टीस्पून जो है हल्दी है। इसको हम अच्छे से भूनेंगे, अभी हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अच्छे से सारा ऑयल इसके साथ, क्योंकि हमने ऑलरेडी कम डाला है। ये देखिए सारा मसाला चिकन के साथ लग जाएगा, और इन स्पाइसेस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो स्पाइसी बना लें, थोड़ी मिर्चें ज़्यादा कर लें, और अगर आपको कम है सॉल्ट तो हमेशा कम ही रखें, क्योंकि आपको पता है कि कभी किसी को घर में बीपी होए या फिर वैसे भी हेल्थ के लिए सॉल्ट इतना अच्छा भी नहीं है, तो टेस्ट से थोड़ा कम ही डालें। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया। अभी इस स्टेज पे हम चूल्हा थोड़ा मीडियम भी कर देंगे और ये ग्रीन चिली ऐड करेंगे इसमें, इससे भी काफ़ी स्पाइसी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 टाइप्स ऑफ चिलीज डाल गई हैं, रेड वाली और ये ग्रीन वाली ऐड होएगी, तो फिर थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि रोटी के साथ तो स्पाइसी ज़रा अच्छा लगता है, और इवन चावलों के साथ भी, अगर बॉयल्ड राइस हैं या प्लेन वाला तड़के वाले राइस हैं उसके साथ। ये हम 2 मिर्चें रख लेंगे, ये बाद में ऐसे ही साबुत डालेंगे। ये पूरा इसको निकाल देंगे, इसमें कई दफ़ा रह जाती हैं तो मैं उनको ज़ाया नहीं करना चाह रही। ये पानी नहीं डालना इसमें, क्योंकि इसमें अभी हम इस स्टेज पे दही भी ऐड कर देंगे, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। इसके साथ अच्छे से निकाल लूँगी, फिर जल्दी जल्दी इसमें चम्मच हिलाना है, वरना योगर्ट बहुत जल्दी फट जाता है। ये देखिए इसका खड़ा खड़ा मसाला है, कितना अच्छा लग रहा है, पक के तो और भी अच्छा लगेगा। और इसको अभी हम दम पे रख देंगे, ये चूल्हा कर देंगे मीडियम पे जो ऑलरेडी किया हुआ है। सो बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। वी आर बैक आफ्टर 10 मिनट्स,
ही देखिए अभी कितना अच्छा सा इसका मसाला हो रहा है, और अभी इसको स्टिल दम पे अभी हम ये वाले स्पाइसेस ऐड करेंगे, ये ज़ीरा और सूखा धनिया क्रश वाला, ये मैंने आधा आधा चम्मच लिया, ये ऐड करेंगे, और ये है गरम मसाला हाफ टी स्पून, और ये जो मैंने मेथी डाल के और बाकी थोड़े स्पाइसेस डाल के मैंने इसको एक कढ़ाई मसाला बनाया, ये मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी, ये मैंने खुद घर पे बनाया है। तो ये मैंने इसको ऐड कर दिया, अभी 2 मिनट के लिए इसको और दम पे रखेंगे, और फिर सब्ज़ धनिया डाल के तो इसको जो है वो फिर डिश आउट करेंगे। ये आलमोस्ट डन है, देखिए ये कितना अच्छे से बन गया, और चिकन टूटा भी नहीं है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये बहुत अच्छा सा बन जाता है, टूटता नहीं है। ये देखिए ये हमारा सालन हो गया तैयार, और अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। धनिया हम ऊपर डाल देंगे, आप अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसको निकाल लिए, कितना अच्छा मज़े का लग रहा है। अभी इसको गर्म गर्म चपाती के साथ आप खा सकते हैं, नान भी ले सकते हैं, इवन बॉइल्ड राइस या तड़के वाले राइस, तो बहुत ही ज़्यादा ये आप इसको इंजॉय करेंगे, और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली डिश है ये। तो ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया। मैंने अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए ये टेबल लगा लिए, और आप मेरे साथ आइए खाना खाइए, थोड़ा सा आप भी टेस्ट करें प्लीज़। ये लीजिए खाइए, थोड़ा सा मैं इसमें दही ऐड करूँगी, और ये मैं इसको रोटी के साथ खाऊँगी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, दही का भी टेस्ट आ रहा है इसमें, टमाटर का भी खट्टा टेस्ट आ रहा है, और जो मैंने वो मसाला मेथी वाला डाला उसका भी बहुत स्पाइसेस, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। प्लीज़ आप भी इसको बनाइएगा, मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।